ओली पोप क्या तोप जैसी बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। 148 रन बना के नाबाद है। भारत की तरफ से बताएं तो 436 पे भारत हुआ ऑल आउट, जहां पर तीसरे दिन के खेल में धावा स्कोर भारत जोड़ पाया नहीं। रविंद्र जडेजा भी अपने शतक से चूके, 87 रन बनाकर वो आउट हुए। बताएं अक्षर पटेल ने 44 रन बनाया। जसप्रीत बुमराह और सिराजा खाता नहीं खुल पाया। 4 विकेट जो रूट ने झटकाए, 2 विकेट रहीम अहमद के खाते में नजर आया, 1 जैक क्लीच ने झटकाई और टॉम हेनली ने 2। बताएं आपको इंग्लैंड ने इंग्लैंड की जब आई बल्लेबाजी तो बेस्ट बॉल के अंदाज में किया गया बल्लेबाजी, जहां पर आपको बताएं ब्रैंडन मैकलम के कोच जो उनके हैं उनके अंदाज में किया गया बल्लेबाजी, जहां पर बताएं आपको 4 के ऊपर के रन रेट से रन बनाते नजर आए। 77 ओवर में 116 रन का इजाफा कर दिया, टोटल में 126 रन की मिल गई लीड है। 6 विकेट जरूर गिरा है, लेकिन ओली पोप नाबाद हैं जो अपने साथ होप को भी जिंदा रख के रखे हैं। अभी तक इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने 31 रन बनाकर आउट हुए अश्विन के बल्लेबाजी शिकार, तो दकेट ने 47 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह ने उनको बोल्ड किया। ओली पोप 148 रन बनाया 208 बॉल में, अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो रूट 2 रन बनाकर आउट हुए। ये श्रृंखला के पहले टेस्ट मुकाबले में अभी तक जो रूट शुरू नहीं हुए हैं अभी उनके अंदाज में। बताएं जो जॉनी बेंच जो भी तो 10 रन बनाकर आउट हुए। स्टोक्स ने 6 रन बनाया, फोक्स के 34 बनाकर वो आउट हुए। रही मैम के खाते में 16 रन हैं जो नाबाद कर रहे हैं बल्लेबाजी ओली पोप के साथ। ये मुकाबला 5वें दिन तक जाने का कैपेबिलिटी रखता है। अगर यहाँ पर ओली पोप ने अगर अच्छी पारी खेल दी तो 5वें दिन तक अब ये मुकाबला जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पर अच्छे खासे अगर बल्लेबाजी कर दी गई, अगर शुरुआत में अगर डेढ़ सेशन अगर खेल लिया, एक सेशन अगर और अगर इंग्लैंड ने खेल लिया और ये बैट बॉल जिसके अंदाज में खेल रहा है बल्लेबाजी, अगर वो करने में अगर ये सफलता हासिल की, अगर 210 रन तक अगर बनाया, 200 तक अगर वो पहुंचने में सक्षम नजर आए, तो वो ये 5वें दिन तक तो जाएगा। ट्रिकी ये मुकाबला हल्का होता नजर आएगा। इंग्लैंड को आप रूल आउट कर नहीं सकते, यही बताया एक और बार ये टेस्ट मुकाबले में के तीसरा दिन का खेल हुआ समाप्त। आप देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।